fast as fuck, boy. I don't think you have any idea how fast I really am. I'm fast as fuck, boy. So, मेरे वालों कैसे हो, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। एंड यार सबकी रैंक पुश बिल्कुल बढ़िया चली होगी। अब यार आज की वीडियो की बात करें ना, तो आज की वीडियो में ना दो गेम प्ले रहने वाले। एंड पहले वाले गेम प्ले में जैसे कि आप देख रहे होंगे ना कि अभी मुझे हर जोन के अंदर ना लगभग 2-3 हज़ार मीटर जाना है। एंड अभी के लिए भी मतलब मैं जोन था ना पूरा गुरु मिलिट्री आइलैंड की तरफ बना हुआ था, तो मैं अभी ना यहाँ पे लेट रोटेशन ही डालता हूँ। एंड यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे ना पाँचवें सर्कल के अंदर ही जोन के अंदर जाऊँगा। एंड यहाँ पे मैंने ठीक ठाक 4-5 फर्स्ट एड उठा रखी थी, बट जो जोन था ना वो अभी यहाँ पे यार कुछ ही देर में ना खतरनाक काटना चालू कर देता, क्योंकि अभी जो पाँचवा सर्कल था ना वो बना ही बना था। एंड अभी देख रहे होंगे आपकी मेरी हेल्थ कितनी कम हो चुकी है। एंड मैं यहाँ पे ना जो मैंने बूस्टर लगाए रहते ना उसी की बदौलत यार लगभग ना मतलब 2-3 HP पे ही बचता हूँ। एंड आप देख रहे होंगे तो अभी के लिए फटाफट ना मैं यहाँ पे जोन के एच पे आने पे ना पहले तो फटाफट हील कर लेता हूँ। एंड मेरी किस्मत यहाँ पे थोड़ी सी अच्छी थी, यहाँ पे पहले से कोई और बंदा होल्ड नहीं कर रहा था, तो यहाँ पे मैं आसानी से ना ये वाले कंपाउंड पे आने के बाद फटाफट हील कर लेता हूँ। एंड इसके बाद यहाँ पे जैसे अगला जोन आने वाला होगा ना तो उसी के साथ अपन यहाँ पे अपनी फटाफट रोटेशन डाल देंगे। और अब जो जोन था ना उसको मतलब वो भी लगभग श्रिंक होना चालू हो चुका था, तो मैं सोचता हूँ अभी के लिए ना यहाँ पे एक कोई अच्छी खासी जगह ले लेंगे। एंड यहाँ पे मैं जैसे ये वाला शेक लेने के लिए आता हूँ ना तो यहाँ पे मुझे एक बाइक दिख जाती है। एंड यहाँ पे पीछे की तरफ ना एक और बंदा यहाँ पे मेरे को स्पॉट हो जाता है, तो अभी के लिए मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे ना फाइट लेके कुछ फ़ायदा है नहीं। एंड अभी यहाँ पे ना तो अभी यहाँ पे ना तो ज़्यादा बंदे अलाइव है एंड ना ज़्यादा मतलब अभी यहाँ पे जो ज़्यादा जगह है ना वो बिल्कुल ओपन की है। एंड मुझे कोई ना कोई जगह तो मिल ही जाएगी, तो मैं सीधा ये वाली जगह की तरफ आ जाता हूँ। एंड सीधा ये वाले पेड़ पे बग्गी लगा के ना अभी कुछ ही देर यहीं पे होल्ड करूँगा जब तक कि यार अगला जोन बने। अब जो अगला जोन था ना वो भी बन चुका था एंड यहाँ पे वो भी यार थोड़ा सा अपने से आगे की तरफ शिफ्ट हो गया था, तो यहाँ पे जैसे अगला जोन आएगा ना उसी के साथ अपन फिर से अपनी रोटेशन चालू करेंगे। एंड उसी के साथ जोन के बिल्कुल एक एच पे अपनी बग्गी जाके लगाएंगे। एंड वहीं पर मतलब जो भी बंदे जोन के बाहर जाएंगे ना उनका यहाँ पर अपन गेट कीप कर सकते हैं। अब यार जैसे कि मैं बात कर ही रहा था ना कि यहाँ पे जोन के बिल्कुल एज पे जाके ना कोई बंदा तो यहाँ पे ऑन फुट आ गई, तो इसी में ये वाला बंदा भी यहाँ पे बिल्कुल ही ओपन ऑन फुट आ रहा था, तो यहाँ पे इसका भी जोन गेट कीप करने के बाद ना अब मेरे को यहाँ पे एक और फिनिश मिल चुका था। एंड अब मेरे यहाँ पे 3 फिनिश तो हो चुके थे एंड अभी भी यहाँ पे ना टोटल 4 बंदे अलाइव थे मेरे को मिला के। एंड जो तीनों बंदे थे ना वो सामने की तरफ ही गए थे। और यार यहाँ पे ना अभी के लिए सामने की तरफ यहाँ पे स्मोक हो रखा था, तो मेरे पास एक अच्छी हाइट भी थी, तो जितना हाइट का फ़ायदा होता है ना उतना यहाँ पे नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि जो बंदे ना वो आपको यार जल्दी स्पॉट करते हैं। और यार जैसे मैं यहाँ पे ना राइट साइड में एक बंदे को मैंने मतलब स्पॉट किया था, मुझे कुछ बंदा सा स्पॉट हुआ था, तो मैंने जैसे यहाँ पे स्प्रे लिया ना तो यहाँ पे से यार एक बंदा अपने को भी स्प्रे देता है। एंड अपन जैसे थोड़ा सा डैमेज होता है ना तो उस वाले बंदे को तुरंत कोई और बंदा भर देता है एंड उस वाले बंदे को भी ना कोई और बंदा थर्ड पार्टी कर देता है। अब यहाँ पे दो और ही बंदे अलाइव थे जो कि मतलब टोटल 2 बंदे अलाइव थे जिनमें कि एक में था। एंड जो एक आखिरी बंदा था ना वो सामने की तरफ एक शील्ड बनी हुई थी तो उसी साइड गई था, तो अभी के लिए यार मेरे को भी जोन के अंदर जाना था, तो मेरे पास यहाँ पे 5 स्मोक थे, तो मैं सोचता हूँ कि अभी के लिए सामने की तरफ स्मोक डाल देता हूँ एंड सामने की तरफ भी जाके ना कहीं पे एक कवर पे लगा लूँगा एंड वहीं पे इजीली फाइट लूँगा इस वाले बंदे के साथ। अब यार जैसे मैंने सोचा था ना कि यहाँ पे स्मोक करने के बाद ना सीधा जोन के अंदर जाके एक कवर में बग्गी लगा लूँगा, तो मैं ठीक वैसे ही करता हूँ। एंड ये वाले पत्थर पे आने के बाद ना ये वाला बंदा यहाँ पे मेरी बग्गी को अंदर स्प्रे देने लगता है एंड इसी बीच इस वाले बंदे को भी मैं आसानी से भर देता हूँ। अब यहाँ पे मेरे फिनिशेस तो ज़्यादा नहीं थे बट मेरे को यहाँ पे चिकन मिल गया था, तो इस वाले गेम से भी ना मेरे को यार 14 का अच्छा खासा प्लस मिल गया था। तो अब यार दूसरे वाले गेम प्ले की बात करें ना तो अभी के लिए यहाँ पे मेरे बिल्कुल ही 0 फिनिशेस थे एंड जो जोन था ना वो यहाँ पे रोजोक साइड बना हुआ था, तो अभी अभी जोन बना ही मतलब बनने ही वाला था एंड बन चुका था, तो
मैं सीधा ये वाले घर पे आके होल्ड करता हूँ, मतलब सीधा ये वाले घर पे आके ना स्लैम कर देता हूँ। तो मुझे यहाँ पे ना कोई भी, ना तो बग्गी कोई भी मतलब व्हीकल नहीं दिखता है। तो मैं सोचता हूँ पहले तो एक नेट का पिन खींच के ना यहाँ पे बंदे की लोकेशन जानने की कोशिश करते हैं कि क्या पता कोई बंदा यार पहले से यहाँ पे होल्ड कर रहा हो। अब यार यहाँ पे ना जैसे मेरे नेट का मतलब ग्लिच हो जाता है, नेट जो है ना वो वैसे ही छूट जाता है। तो मैं यहाँ पे जैसे ऊपर चढ़ने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पे यार एक बंदा ना बिल्कुल खतरनाक वाला ही कैम्प कर रहा था। एंड ये वाला बंदा तभी यहाँ पे अपना फुटेज टैप मेरे को दे देता है। अब मैं सोचता हूँ ना ये वाले बंदे से यहाँ पे फाइट इंगेज करके कुछ भी फायदा नहीं है। तो अभी के लिए जो वेयर हाउस था ना वो बिल्कुल ही खाली था। एंड मैं सोचता हूँ कि अभी के लिए फटाफट ना वेयर हाउस के अंदर घुस जाते हैं एंड इस वाले बंदे से ना बाद में फाइट लेंगे। अगर इस वाले बंदे की तरफ जोन गए ना तो सीधा इसी वाले बंदे की तरफ स्लैमिंग कर देंगे। एंड अपनी तरफ जोन बनाना तो ये वाले बंदे को तो यार अपनी तरफ आना ही पड़ेगा। अब यार देखते देखते ना जो अगला जोन था ना वो बिल्कुल यार मेरे, मैं बिल्कुल जोन के सेंटर में था। एंड अब जो बंदे थे ना उनको मोस्टली इसी साइड आना था। अब इतना तो पता था मुझे कि यहाँ पे अगर मैं अच्छा खासा खेल गया ना तो मुझे यहाँ पे अच्छे खासे फिनिशेस भी मिल जाएंगे। एंड मैंने अभी के लिए ना ये वाले बंदे पे दो तीन नेट भी किए थे। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे ना शॉप भी होती है तो मैंने इस शॉप से दो तीन नेट भी मंगा लिए थे। तो अब ये वाला बंदा यार सामने वाली छत पर होल्ड कर रहा था। तो ये वाला बंदा यार यहाँ पे छत पे होल्ड कर रहा था तो मुझे इसका साउंड आ गया था कि ये वाला बंदा यार एग्जैक्ट कहाँ पे। तो यहाँ पे एक मैं दूर से नेट की पिन खींच के आता हूँ ताकि इस वाले बंदे को ना यहाँ पे साउंड भी ना आए। एंड एक प्यारे से नेट के साथ इस वाले बंदे का भी यहाँ पे मैं डब्बा बना देता हूँ। एंड अभी के लिए मैं सोचता हूँ ना फटाफट ये वाले बंदे के घर की तरफ निकल लेता हूँ क्योंकि ये वाला घर ना एक मतलब अच्छी खासी हाइट भी है इस वाले घर पे। एंड यहाँ से मैं अच्छे खासे फिनिशेस भी निकाल सकता हूँ एंड इस वाले बंदे की पेटी लूटने के बाद ना। अभी देखो यहाँ पे कितनी रोटेशन आने वाली है। अब यार जैसे कि मैं बात कर रहा था ना कि यहाँ पे देखना अभी कितनी रोटेशन आने वाली, तो तभी यहाँ पे एक ढांचे वाला बंदा आ जाता है। इस वाले बंदे को ना मैंने एक दो नेट फेंकने के बाद ना ये वाले बंदे को शायद से कोई और भर देता है। एंड अभी के लिए ये वाले बंदे का तो अपने को फिनिश नहीं मिलता, बट यहाँ पे अभी यार काफ़ी और बंदे भी आने वाले थे क्योंकि अभी जो जोन था ना वो बिल्कुल ही हार्डशिप मारा था। एंड बंदे जो थे ना वो यार यहाँ पे जोन के बाहर थे। अब यार जैसे कि मैं बात कर रहा था ना कि जोन के बाहर से अभी काफ़ी सारे बंदे आने वाले थे, तो अभी यहाँ पे एक बग्गी वाला बंदा आता है। उस बग्गी वाले बंदे को भरने के बाद ना यहाँ पे एक और बंदा यार मुझे दूर डांसे पे स्पॉट होता है, बट इस डांसे वाले बंदे का ना कोई और फिनिश उठा लेता है। एंड उसके तुरंत बाद यहाँ पे ना एक बीआरडीएम वाला बंदा आता है। एंड वो बीआरडीएम वाला बंदा यार थोड़ा बहुत डैमेज रहा होगा एंड बाकी का काम अपने एक स्प्रे ने कर दिया। एंड इस वाले बंदे का बीआरडीएम फोड़ने के बाद ना इसको भी मैं यहाँ पे आसानी से भर देता हूँ। एंड फिर उसके बाद जो अगला जोन था वो मेरे से यार थोड़ा और आगे की तरफ शिफ्ट हो गया था। तो मैं सोचता हूँ अभी के लिए जो वेयर हाउस है ना वो अभी अभी जोन बना है, तो वेयर हाउस जो था ना वो बिल्कुल अभी खाली था। एंड मैं सोचता हूँ अभी इसको फटाफट कैप्चर कर लेते हैं इससे पहले कि कोई और बंदा आके यहाँ पे होल्ड करे। तो यहाँ पे आने के बाद ना अब मुझे सिर्फ यहाँ पे होल्ड करना था एंड अगले जोन बनने का ना यहाँ पे वेट करना था। एंड जो राइट वाला रोजोक के मतलब मेन सिटी थी ना उससे जोन कट चुका था। एंड अभी वहाँ से भी यार काफ़ी सारे बंदे अभी यहाँ पे जोन के अंदर आने वाले थे। और मेरे राइट साइड में ना यहाँ पे फाइट होने लगती है, तो तभी जो सामने की तरफ वॉच टावर था ना मैं सोचता हूँ इस पे जाके ना इन वाले बंदों का यहाँ पे मैं गेट कीप करूँ। अब यार मैंने किल फीड तो पढ़ ली थी कि राइट साइड में कोई ना कोई बंदा तो यार बंदे भर रहा है, तो यही वो वाला बंदा था ना जिसने यहाँ पे और बंदे भर रखे थे। तो इस वाले बंदे को भी भरने के बाद ना वापस से मैं वेयर हाउस के अंदर आ जाता हूँ। एंड अभी के लिए जो जोन था ना वो जो सामने की तरफ रोजोक का छोटा सा ब्रिज होता ना उसकी तरफ शिफ्ट हो गया था। तो मैं सोचता हूँ अभी के लिए फटाफट वापस वेयर हाउस जाके ना अपनी यहाँ पे बग्गी लेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे ना अपन बग्गी लेके जोन के अंदर जा सकते हैं। अभी यहाँ पे टोटल चार बंदे अलाइव थे जिनमें कि जो तीनों बंदे थे ना वो ज़्यादा मोस्टली यार जो ब्रिज था ना उसी साइड कहीं होल्ड कर रहे थे। तो मैं अभी के लिए सोचता हूँ ना कि यहाँ पे बग्गी के पास जाके ना बग्गी से अपन यहाँ पे रोटेशन देंगे। एंड अभी जो बंदे थे ना वो सामने की तरफ भी फाइट ले रहे थे।
अब जैसे कि मैं बात कर ही रहा था ना कि जो बंदे हैं वो ब्रिज साइड फाइट ले रहे हैं, तो तभी एक और बंदा यार एक बंदे को ब्रिज साइड ही यूएमपी से भर देता है। अभी के लिए यहाँ पे दो और बंदे अलाइव थे जो कि यार उसी साइड थे, तो अभी के लिए मैं सोचता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा एच पे जाके ना बंदों की लोकेशन जानने की कोशिश करते हैं कि क्या अब तक कोई बंदा यार इधर से अपने को स्पॉट हो जाए। अब जैसे मैं यहाँ पे एच पे आता हूँ तो मुझे ब्रिज से यार एक बंदा कूदता हुआ स्पॉट हो जाता है। तो अभी के लिए एक बंदे की तो अपने को लोकेशन पता चल चुकी थी कि जो एक बंदा है ना वो ब्रिज साइड पे, एंड जो तीसरा बंदा है ना उसके अपने को लोकेशन पता थी नहीं। तो मैं यहाँ पे ना फटाफट सामने की तरफ एक स्मोक कर देता हूँ, एंड मुझे तभी यार सामने की तरफ एक और स्मोक दिख जाता है। तो अब इतना तो पता हो चुका था कि जो तीसरा बंदा है ना वो सामने वाले पत्थर की तरफ है। अब जो यार दोनों बंदे थे ना उनकी मेरे को एग्जैक्ट लोकेशन पता थी कि एक जो बंदा है ना वो सामने वाले पत्थर पे, एंड एक जो तीसरा बंदा है ना वो लेफ्ट साइड में कहीं है। तो अभी के लिए जो सामने वाला बंदा था ना वो इधर अपने पे यार नेट करने लग जाता है, एंड जवाबी कार्रवाई में मैं भी इस पर एक नेट करता हूँ, एंड इसके नेट से ना अपनी शीट यार काफ़ी डैमेज हो चुकी थी। एंड जो लेफ्ट वाला बंदा था ना वो भी यहाँ पे यार जोन के अंदर आने की कोशिश कर रहा था। और जो राइट वाला बंदा था ना वो यहाँ पे यार फुल एग्रेशन के साथ ना उसने मेरी यहाँ पे दो शील्ड तोड़ दी थी। तो तभी यार मैं इस वाले बंदे पे ना एक बिल्कुल ही हार्ड स्कोप करके बैठता हूँ कि अगर ये वाला बंदा यहाँ पे पीक लगा ना तो इसको आराम से भर देंगे। अब यार मैंने लेफ्ट की तरफ तो एक शील्ड का कवर बना लिया था, एंड इस वाले बंदे पे यहाँ पे बारी थी अब एक नेट करने की। और इसी नेट से ना इस वाले बंदे का यहाँ पे डब्बा बन जाता है, क्योंकि ये वाला बंदा यार यहाँ पे मतलब डैमेज तो खा ही चुका था पहले स्प्रे से, एंड उसके बाद इसको थोड़ा भी मैंने सोचा अगर थोड़ा भी चिप डैमेज पड़ा ना नेट का तो इसका यहाँ पे डब्बा बन जाएगा। एंड अब यहाँ पे यार 1v1 की फाइट रहने वाली थी, एंड जो बंदा था ना उस सामने की तरफ वाली छोटी छोटी चट्टानों के पीछे था। तो यार अब जो बंदा था ना उससे तो अब यहाँ पे प्योर 1v1 फाइट लेनी थी ना, तो यहाँ पे अब हिल बैटल का कोई सीन होने वाला था। तो अब देखो इस वाले बंदे से ना किस तरीके से अपन फाइट लेने वाले हैं। अभी यार ये वाला बंदा ना यहाँ पे दिमाग लगा के तो बढ़िया काम करता है कि ये बिल्कुल ही ओपन में जाके लेट जाता है, बट इसकी गलती ये होती है ना कि ये ओपन में जाके यहाँ पे एक मौली करने लगता है जिसका कि मुझे यहाँ पे ट्रेल दिख जाती है। अब इस वाले बंदे को भी यार आसानी से भरने के बाद ना शायद से मैं इस वाले बंदे को यहाँ पे स्पॉट भी नहीं कर पाता, बट ये वाला बंदा यहाँ पे थोड़ी गलती कर देता है, एंड इस वाले गेम से भी ना मेरे को यार 20 का प्लस मिल जाता है। एंड अगर आपको यार गेम प्ले पसंद आया ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। मिलते हैं आपको ऐसे किसी इंटेंस गेम प्ले के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।